केस वही, उस केस के सबूत वही, उसके गवाह भी वही, तो फिर नतीजा सिरे से पलट कैसे गया? प्रद्युमन मर्डर केस में पुलिस जिसे ओपन एंड शट केस मान रही थी, उसकी थ्योरी अचानक दो महीने बाद ठस कैसे पड़ गई? तो फिर ऐसा क्या था जो सीबीआई को तो दिखा मगर गुड़गांव पुलिस नहीं देख पाई, या देखकर भी उसने अनदेखा कर दिया? गुड़गांव पुलिस ने इस केस में जो सबसे बड़ी गलती की वो ये कि इस केस के सबसे अहम चश्मदीद यानी 11वीं क्लास के उस छात्र को उन्होंने जाने दिया। शुरुआती पूछताछ की लेकिन फिर आगे पूछताछ करने की जरूरत नहीं समझी। हालांकि सीबीआई ने यहीं पर एक दूसरा काम किया। सीबीआई ने जब मामले की पूछताछ की और शुरुआत की जांच की तो सबसे पहले उसी लड़के पर अपना फोकस किया, क्योंकि वो सबसे पहला चश्मदीद था जिसने प्रद्युमन को बाथरूम में लहूलुहान देखा था। सीबीआई ने जब अपनी जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि इस हादसे के बाद यानी 8 सितंबर को जिस दिन प्रद्युमन का कत्ल हुआ था, इस लड़के का बिहेवियर अचानक बदल गया था, उसका बर्ताव बदल गया था। स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बात करना या घर में अपने पेरेंट्स के साथ बात करने में काफी फर्क था। वो घबराया हुआ भी था और लगातार अपने बयान भी बदल रहा था, और यहीं से सीबीआई को उस पर शक हुआ, जिसके बाद सीबीआई ने लगभग 5 बार उससे पूछताछ की। इन 5 बार जो पूछताछ की गई उसमें भी वो लगातार अपने बयान बदल रहा था। एक बार उसने ये भी कहा कि जब प्रद्युमन का कत्ल हुआ था वो बाहर निकला तो उसने स्पोर्ट्स टीचर को सबसे पहले ये बताया था, लेकिन बाद में जब सीबीआई ने उसी स्पोर्ट्स टीचर से इस बारे में बातचीत की तो पता चला कि स्पोर्ट्स टीचर से उस लड़के की मुलाकात ही नहीं हुई थी और उसने कुछ नहीं कहा था। सीबीआई का शक और पुख्ता होता है और इसके बाद वो उसी लड़के पर जीरो इन करती है। अलबत्ता पुलिस की तरह सीबीआई ने भी इस मामले की तफ्तीश की शुरुआत सीसीटीवी फुटेज से ही की थी। इस फुटेज में मासूम प्रद्युम्न के साथ एक और लड़का भी बाथरूम की तरफ जाता और आता हुआ दिख रहा था, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज साफ नहीं था, चेहरा पहचानना मुश्किल था। ऐसे में सीबीआई ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद ली। फॉरेंसिक साइंस से सीबीआई ने ये जांच करवाई कि जो तस्वीर में दो लड़के हैं उनका फ्रंट और बैक क्या वो प्रद्युम्न और 11वीं के उस लड़के से मिलता है या नहीं। इसके बाद फॉरेंसिक साइंस ने अपनी रिपोर्ट दी। सीएफएल से जो जांच रिपोर्ट आई उसके बाद पता चला कि तस्वीर में जो धुंधली जो तस्वीरें हैं दो बच्चों की, उनमें एक प्रद्युम्न है और दूसरा वही 11वीं क्लास का लड़का है। इसके बाद सीबीआई का शक और पुख्ता होता है। हालांकि इसी तस्वीर में एक जगह पर कंडक्टर और एक जगह पर वो माली पानी पीते हुए भी दिखाई देता है, लेकिन बाथरूम के अंदर जाते और बाहर निकलते ये दो लड़के थे जिनमें एक प्रद्युम्न था और दूसरा 11वीं क्लास का वो छात्र। यूनिफॉर्म से सीबीआई को पता चला कि छात्र 11वीं क्लास का ही है। इसके बाद स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ने वाले सभी छात्रों से पूछताछ की गई। फिर पता चला कि इसी क्लास का एक लड़का इस मामले का चश्मदीद था और उसने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बस कंडक्टर के खिलाफ बयान भी दिया था। सीबीआई ने सारा फोकस इसी छात्र पर टिकाया और उससे बातचीत में सीबीआई का शक पुख्ता होने लगा, क्योंकि छात्र से करीब 4 से 5 बार पूछताछ की गई, लेकिन अजीब बात ये थी कि हर बार पूछताछ में उसका बयान बदल रहा था। अब सवाल मोटिव का था, यानी लड़के ने प्रद्युम्न का कत्ल किया क्यों? सीबीआई से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आरोपी छात्र पढ़ाई में कमजोर था और उस दिन स्कूल में होने वाले एग्जाम और पेरेंट्स टीचर मीटिंग से घबरा रहा था। वो इसे पोस्टपोन कराना चाहता था और इसीलिए उसने प्रद्युम्न को मारने का फैसला कर लिया। मेरे बच्चे ने नहीं किया, मेरे बच्चे ने माली को बताया, टीचर्स को बताया देखते ही बच्चे को, और पूरे दिन स्कूल में रहा है, पेपर दिया है बच्चे ने, कहीं पर भी एक सिंगल स्पॉट मेरे बच्चे के कपड़ों पे नहीं था। हालांकि इस मामले का एक दूसरा पहलू ये भी है कि आरोपी छात्र एक रसूखदार परिवार से आता है और ऐसे में शायद उन्हें अपने बेटे के बर्ताव से अंदाजा हो गया था कि मामले में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। 11वीं क्लास के जिस छात्र को सीबीआई ने पकड़ा है उस छात्र के पिता इलाके की एक नामी हस्ती है, पेशे से वकील है और साथ ही प्रॉपर्टी डीलर भी। कहते हैं कि भोनसी इलाके में जहां पर यह स्कूल है आसपास में लगभग 500 एकड़ जमीन के मालिक है। अब सीबीआई इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कंडक्टर ने जो इकरार जुर्म किया था क्या उसके पीछे कोई समझौता या सौदे की बात थी, क्या इस बच्चे के पिता का भी इसमें कोई रोल रहा है। ये सारी चीजें भी जांच होंगी और इसके बाद ही सीबीआई आगे की कोई कार्रवाई करेगी।
तंसीम हैदर और मुनीश पांडे के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।